ओमेगा नेटवर्क की न्यू माइनिंग अपडेट आ चुकी है। अगर आप है कि अभी तक माइनिंग नहीं कर रहे हो तो जाके कर लो, क्योंकि इनकी प्री सेल राउंड की प्राइस आप देख सकते हो, एक ओमिनी इज इक्वल टू 0.11 डॉलर, मतलब 10 रुपये है एक ओम टोकन के। तो आप समझ सकते हो कि इनकी 3 सीड राउंड होने वाले हैं, और तीसरा सीड राउंड होगा उसमें इसकी प्राइस होने वाला है 0.32 डॉलर, मतलब 20 से 25 रुपए का एक टोकन बनने वाला है। ये स्टार्टिंग है विदाउट लिस्टिंग का प्राइस, ठीक है। लिस्ट होने के बाद इसका प्राइस कुछ अच्छा खासा बन सकता है, जो एक डॉलर के नज़दीक भी जा सकता है। तो आप सोच लो कि आपको माइनिंग करनी है कि नहीं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोनू क्रिप्टो, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाओ और लाइक कर दो इस वीडियो को। तो आज की अपडेट है ओमेगा नेटवर्क के ऊपर, जो आप ओम नेटवर्क भी बोल सकते हो, इसमें ओमेगा नेटवर्क भी बोल सकते हो। तो इसकी अपडेट क्या है कि वो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। आप अगर माइनिंग नहीं कर रहे हो तो आप बड़ा मौका है कि छोड़ रहे हो, क्योंकि पहले है कि मैं आप मेरी खुद की बता रहा हूँ, इसकी मैं अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो पूरा देखो, ठीक है। बट इससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, इसमें है कि मैंने कि 2 महीने हुआ है माइनिंग करते हुए, मेरे ज़्यादा मतलब इतने नहीं है कि माइनर्स ज़्यादा है, हज़ारों में वगैरह नहीं है, कम है, ठीक है। बट इसमें मैंने 1 महीने में 4000 तक टोकन माइनिंग कर लिए थे, 4000 या 5000, बट ये 1 महीने के लिए सिर्फ मैंने 1000 टोकन ही माइनिंग किए। मतलब इसकी स्पीड है कि दिन ब दिन कम होते जा रही है। क्यों होते जा रही है? जब भी स्पीड कम हो रही है, मतलब ये टोकन कुछ ना कुछ आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के ज़रूर देगा। तो इसमें है कि माइनिंग कैसे करनी है और इसकी वाइट पेपर के बारे में सब कुछ मैंने डिटेल दिया, टोकनॉमिक्स के बारे में कंप्लीट आज भी थोड़ा कुछ आपको समझा दूंगा। कैसे माइनिंग वगैरह करना नहीं पता है तो इसकी वीडियो बनाई हुई है हमारे चैनल सोनू क्रिप्टो पे, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें अपडेट क्या है कि इनका सीड राउंड जो स्टार्ट हुआ था उसमें कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट्स है। तो उसके लिए दोस्तों आपको इधर रीड मोर का ऑप्शन आएगा, माइनिंग नहीं कर रहे तो अभी से जाके स्टार्ट कर दो, और इधर जाने के बाद हम होम पेज पर इधर क्लिक कर देते हैं। जैसा कि हमने होम पेज पे क्लिक करते हैं, इधर 3 डॉट दिखाई देता है, इस पर क्लिक करते हैं, इधर कनेक्ट वॉलेट नाउ का भी ऑप्शन आ रहा है, बट आपको अभी कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों अभी फिलहाल में है कि इनका सीड राउंड चल रहा है। अभी सीड राउंड क्या रहता है कि ये इन्वेस्टर से फंड रेज कर रहे हैं, ठीक है। अभी फंड रेज कर रहे हैं मतलब हमारे टोकन की वैल्यू बढ़ सकती है, क्योंकि इनके अभी कितने सीड राउंड में कितने टोकन हैं, 4,85,00,000 के टोकन इन्होंने रखे हुए हैं सीड राउंड में। जो सीड राउंड पे क्या रहेगा कि ये इन्वेस्टर लोगों से पैसे लेने वाले हैं, और लेने के बाद क्या करने वाले हैं कि ये कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे इसमें। और ये वाला एक मतलब जो ओमेगा नेटवर्क है, इसमें है कि जो भी हम फ्री वाले माइनिंग करें उनको फंड्स भी तो देने हैं, क्योंकि हम फ्री में माइनिंग कर रहे हैं, इनका ऐप यूज़ करें, तो इसलिए फ़ंड रेजिंग हो रही है, ठीक है। तो इनका फंड रेज कभी से स्टार्ट हुआ है, 22 फरवरी को स्टार्ट हो गया था, जैसे कि इन्होंने वाइट पेपर में बोला हुआ था। मैंने वाइट पेपर की कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें टोकोनॉमिक्स की डिटेल, इस प्रोजेक्ट की डिटेल कंप्लीट है दोस्तों, ठीक है। और इसकी कब स्टार्ट होने वाली है, 22 फरवरी 2023 को, मीन्स स्टार्ट हो गया, और एंड कब होगा वो भी आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सीड राउंड में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, जिसके पास फंड है वो कर सकते हैं, बट जो फ्री की माइनिंग मिल रही है तो क्यों सीड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और इधर मेनली दिया हुआ कि एक्सेप्ट पेमेंट करने वाले हैं BUSD और USDT से, वो भी बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क से, ठीक है। तो BSC BIP20 नेटवर्क वो समझ लो। और इसमें इन्होंने ये दिया है कि फंड रेजिंग ऑफर वगैरह करके लिखा हुआ है, तो इसमें इन्होंने दिया हुआ IFO ने रेटिंग इसकी क्या की हुई है, तो इन्वेस्टमेंट रेटिंग की है 4.3, IFO होल्डर रेटिंग की है 4.4, IFO बेंच रेटिंग है 4.7 out of 5, ठीक है। तो इनका ये नया लोगो टाइप है, अच्छा खासा डिज़ाइन है यार, मज़ा आ गया देख के मुझे, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि इनका विजन वगैरह क्या है, ओमेगा नेटवर्क आगे जाके जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं कैसे हम इसको जज करते हैं, आगे जाके क्या करने वाला है। तो इसमें मेनली आप देख सकते हो, जैसे पाई नेटवर्क हो, सतोशी कोर हो, सतोशी कोर मिस किया तो ये मिस मत करो, इसके बाद इसके लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है फिलहाल। तो पाई नेटवर्क तो बहुत स्लो हो चुके हैं, ये भी थोड़ा स्लो हो चुका है, बट अभी भी पाई से थोड़ी स्पीड है। तो इनका मेन विजन क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें है कि ओम टोकन करके आने वाले आगे जाके जो ओमेगा नेटवर्क का, और इसका मेन विजन है कि ये एक है कि डिसेंट्रलाइज या फिर है कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलना चाहते हैं, जिसमें क्या रहेगा कि ये है कि ट्रेडर्स, एक्सचेंजर्स, बाद में डिसेंट्रल एक्सचेंज, वॉलेट्स, डेप सब कनेक्ट करने चाहते हैं। एग्जांपल आप समझ लो एक मेटामास्क है, या फिर ट्रस्ट वॉलेट है, या फिर खुद की एक्सचेंज है। तो ये इनका विजन है आगे जाके। तो ये और भी आप पढ़ सकते हो इसमें जो भी दिया हुआ है वाइट पेपर में, ऑलरेडी मैंने टोकोनॉमिक्स के बारे में आप सबको बता दिया था। और इनके टोकन सेल का मैंने बोला था एंड टाइम कब होने वाला है, कि ये है कि मार्च 22 तारीख को ख़त्म हो जाएगा इसका टोकन प्री सेल,
और इसमें है कि एक ओमिनी की प्राइस कितनी रखी हुई है, $0.11। ये फर्स्ट प्री सेल है, इनके ऐसे तीन राउंड होने वाले हैं। तो तीसरे राउंड की जो प्राइस है उनके है कि वाइट पेपर में दी हुई है $0.32 की होने वाली है। तो आप पकड़ के चलो, उसके बाद लिस्टिंग, एक्सचेंज पे, मैनेट लॉन्च, KYC सब कुछ होने वाली है। तो तभी प्राइस एक अच्छे खासे मुकाम पे पहुंच जाएगी, अच्छे खासे हाइप हो जाएगी। तो एटलीस्ट समझ लो $0.32 है, मतलब एटलीस्ट आप $1 या $1 के नज़दीक समझ के चल लो कि इसकी प्राइस हो सकती है आगे जाके लिस्टिंग के टाइम पे। अभी मेनली आते हैं कि आपको माइनिंग करके कितना फ़ायदा होने वाला है। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आपके पास अच्छा खासा टोकन भी आपको मिल सकते हैं, ग्रैब हो सकते हैं, क्योंकि इसकी टाइमिंग आपके पास 6 महीना 7 महीना है फिलहाल। तो आप अच्छे खासे टोकन बना पाओगे, इसलिए जल्दी से जल्दी जाके माइनिंग करो। और मेनली सतोशी कोर के बाद आपको अभी कौन सी माइनिंग प्रॉफिटेबल बना सकती है, आपको इम्पोर्टेंट है कि एक तो बॉन्डेक्स माइनिंग करनी है, एक ओमेगा नेटवर्क की माइनिंग करनी है और बी नेटवर्क, ये तीन आपको कंटिन्यू रखना है। और कैश स्टार की भी कंटिन्यू रखो, क्योंकि उसका मतलब बैनेट लॉन्च का टाइम आगे है थोड़ा। तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा सबके बारे में, तब आपको बता दूंगा। और इसमें नेक्स्ट जाते हैं कि इधर लिखा हुआ है कि टोटल टोकन सेल कितने आए हुए। मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया है 4.80 करोड़ के आसपास OMN टोकन करके लिखा हुआ वो आया हुआ है। अभी इसमें दिया हुआ टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का, जो इन्होंने इसमें भी दिया हुआ है इतनी टोकनॉमिक्स में, तो इसमें दिया हुआ फाइनेंशियल इंश्योरेंस 5%, स्टेकिंग 5%, 10%, एक्सचेंज लिक्विडिटी, IDO के लिए 2% है। IDO मतलब इनिशियल ऑफरिंग वगैरह वैसे ही रहता है IDO, ठीक है। प्राइवेट सेल 8%, सीड IFO मतलब सीड राउंड जो अभी चल रहा है वो इनिशियल ऑफरिंग 5%, और पार्टनरशिप 65%। तो इसमें जो 65% है वो शायद हम सबको है, क्योंकि हम सब लोग पार्टनर्स है, क्योंकि है कि हम लोग माइनिंग कर रहे हैं अपने फ़ोन के थ्रू इस ऐप को, ठीक है, ये टोकन को समझ लो, जो भी समझो, हम माइनिंग कर रहे हैं, तो इतना परसेंट हमारा है। तो ये इनका मतलब टोकोनॉमिक्स है, आप जाके वाइट पेपर में देख सकते हो, उसमें कंप्लीट डिटेल में मैंने बताई हुई वीडियो, जाके चेकआउट कर लो, आई बटन में दे दूंगा वो वीडियो। अभी इसमें वाइट पेपर का भी दिया हो, आप जाके इधर वाइट पेपर भी चेक कर सकते हो। और जिसको भी बाय करना, आपको स्टार्टिंग दिखा दिया 3 डॉट पे क्लिक करके, मेटामास पे कनेक्ट करके आप बाय कर सकते हो। बट आपको फ्री की माइनिंग मिल रही है तो क्यों बाय करना, सीधी सी बात है ना, फ्री की मिल रही है चीज़ों पे आप पैसा क्यों लगा रहे हो। अभी आप सिर्फ माइनिंग ही तो करना है। और आप इसमें मल्टी अकाउंट कैसे बना सकते हो कि आप अपने घर पे ही सबके फ़ोन में लेके डाल सकते हो ऐप और माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो, और KYC होगी तब सबकी कर लो, आपके है कि मल्टी अकाउंट जैसे भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ही फ़ायदा है, आप जितना मल्टी कर लो। मेरी माने तो मैंने है कि दो फ़ोन है मेरे पास, तो दोनों जगह किया है, बट एक और नाम है मेरा है कि भाई का है, कज़िन उसका रखा हुआ है, क्योंकि जब भी KYC रहेगी वो नज़दीक ही रहता है, तो जाके मैं करवा सकता हूँ उसकी KYC, और जो भी प्रॉफिट रहेगा थोड़ा सा कुछ शेयर कर दूंगा। तो मेरे पास दो अकाउंट है, तो सब लोग आप भी दो अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। और इधर टाइम लिया हुआ IDO ये होने वाला है, और आपको जाके श्योर शॉट माइनिंग करनी है, मिस मत करने जाना। फिर बोलना मत कि यार भाई हमने लेट हो गए या हमने माइनिंग नहीं की है करके, क्योंकि फिर आपको आप बोलोगे यार इतने ही टोकन है, तो इसमें ऑलरेडी स्पीड कम कर दी है इन्होंने, इसलिए जल्दी से जल्दी माइनिंग करो। एटलीस्ट आपके पास 2000 ऐसे टोकन हो सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग 6-7 महीना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अच्छी लगी तो यार लाइक करते जाओ और हमारे चैनल का भी ख्याल रखो।